वहीं प्रभारी मंत्री ने जिला स्थापना दिवस पर जिला के वासियों को संबोधित किया। और जिले ही नहीं बिहार के विद्वान प्रोफेसर आदरणीय प्रोफेसर रणविजय सिंह जी, मंच पर अधिकारीगण, बड़ी संख्या में यहाँ छात्र छात्राओं की संख्या उपलब्ध छात्र छात्राओं की संख्या की भीड़ लगी हुई है। भोजपुर जिला के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्रा भाई बहनों, हमारी माताएं एवं बहनें, आज मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है कि इस मैदान से दूसरी बार हमारा विचार आ रहा है। प्रभारी मंत्री बनने के बाद 15 अगस्त को हमारा आना हुआ था और पहली बार हम भोजपुर की धरती पर प्रभारी मंत्री के रूप में मैं अपना पैर रखा था। हम सुना करते थे पहले कि भोजपुर जिला बड़ा ही मजबूत जिला है, बहुत ही बढ़िया और अच्छा जिला है। उस दिन का मुहूर्त यह देखने को मिला जिस समय भारत माता का तिरंगा झंडा लहराने के लिए जिला पदाधिकारी ने मेरे हाथ में डोरी दिया, उसी समय इंद्र भगवान प्रसन्न होकर वहां से वर्षा देना प्रारंभ कर दिए और जिले के सारे स्कूल, हमारे जो आर्मी के ऑफिसर्स थे, हमारे पुलिस के नौजवान थे, उस घनघोर वर्षा में हिलने का भी काम नहीं किया। हम अपने भाषण में उस दिन हमने कटौती किया और झटाझट जितना कम समय में बोलना था हम बोलकर बैठ गए, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि भोजपुर में आने के बाद इस तरह का वर्षा यह संकेत दिया है कि भोजपुर का जबरदस्त विकास होने वाला है। आशीर्वाद भी लिए, स्नेह भी प्राप्त किया और हमने वचन भी दिया कि जिस उम्मीद अपेक्षा और भरोसा के साथ बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी हमें भेजे हैं, हम भोजपुर जिला का विकास करके हम दिखाएंगे, ये भरोसा हमने दिया था। आए हैं जो हमारा भोजपुर जिला का नाम आरा जिला रहा है और जिला पदाधिकारी ने कहा कि 1972 ईस्वी में आरा जिला स्थापित हुआ था और 1972 के अंदर में मुगल शासकों के नाम से भोजपुर और आरा जिला का नाम था। जिस प्रकार से भारत की राजधानी दिल्ली में मुगल सल्तनत का बनाया हुआ जो उस समय की सरकार थी, जो आपका 15 अगस्त 1947 के पूर्व जो लगभग 90-95 सालों तक इस देश के अंदर में ब्रिटिश हुकूमत का राज रहा, भाइयों बहनों, इससे पहले इस मुल्क के अंदर में मुगल शासन का राज था, मुगल शासकों का राज था। आप जानते हैं बेहतर तरीका से बाबर का राज, बाबर के पिताजी का नाम उमर शेख मिर्जा का राज, हुमायूं और अकबर का, औरंगजेब जैसे लोगों का राज इस देश के अंदर में रहा और उन्हीं लोगों के नाम पर भारत की राजधानी दिल्ली में बड़े बड़े सड़कों का नाम डाला गया। आप लोगों ने भोजपुर जिला का नाम, इसके पहले जो मुगल सल्तनत के कोई सिपाही थे उनके नाम पर भोजपुर जिला का नाम रखा गया था। हम आज के इस स्थापना दिवस के अवसर पर भोजपुर जिला के लोगों को हम हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि मुगल शासकों का नाम को काट कर आपने भोजपुर के बदले आरा और आरा के बदले भोजपुर देने का काम किया। आप धन्यवाद के पात्र हैं। इसमें आपकी तालियां नहीं बजेगी, अच्छे बातों में तालियां नहीं बजनी चाहिए। जहां नाच ड्रामा हो वहां ताली बजाकर अपना स्वास्थ्य को बनाइए आप लोग, यही भोजपुर जिला का अपना संस्कार रहा है। ऐसा हम उम्मीद नहीं करते कि ऐसा संस्कार है। भाइयों बहनों, आज 45 साल इस भोजपुर जिला का पूरा हुआ है और इस भोजपुर की धरती पर हम लोग मना रहे हैं।
हमें एक बात का आश्चर्य हुआ, हमारे बिहार विधानसभा के कुछ साथी यहाँ पर बैठे हुए और उनसे मेरा व्यक्तिगत संबंध और रिलेशन बहुत अच्छा है। विनोद सिंह को वो बेहतर तरीका से जानते हैं कि किस स्वभाव के हैं, किस नेचर के हैं और किस कैरेक्टर के हम हैं। हम 10 मिनट लेट आए, 2 बजे रात्रि में हमारा सोना हुआ, लेकिन हम अगर विधायक होते प्रभुनाथ जी के जगह पर और प्रभुनाथ जी अगर प्रभारी मंत्री होते तो इतना हम बता देना चाहते हैं, इस जिला का बेटा होने के नाते वो है बेटा, हम तो कटिहार जिला से आए हैं। 10 मिनट का 10 घंटा भी प्रभारी मंत्री का इंतजार करना पड़ता हम करते, जैसे वो अपने आदरणीय नेता का इंतजार करते रहते हैं। ये विरोध करना तो बहुत आसान काम है ना, भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री भाषण देने के लिए खड़े हुए, विरोधी लोग अपना लोकसभा बहिष्कार करके निकल जाता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी विधानसभा के अंदर में भाषण देने के लिए चालू प्रारंभ किए, 2-4 आदमी ऐसे बहिष्कार कर निकल गए। हम यहाँ विकास करने के लिए आए हैं, 2-4 आदमी ऐसे यहाँ बहिष्कार करके निकल गए। आदरणीय पत्रकार भाइयों बहनों, मैं आपको स्नेह के जाने से हम दुखी हैं, उन्हें जाना नहीं चाहिए था। यह स्थापना दिवस उनका भी कटिहार जिला, ये भोजपुर जिला, और सब लोग मिलजुल कर यह स्थापना दिवस हम मनाने के लिए आए हैं, और हमारे जिले के सारे पदाधिकारी, उन्हें जिला के पदाधिकारी ने अपने देख रेख में जो इतना व्यापक स्तर पर बड़ी तैयारियां की है, मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं जिला के सारे प्रशासनिक पदाधिकारी को, हृदय से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। एक नौजवान जिला का पदाधिकारी, एक नौजवान यहां का आरक्षी अधीक्षक, एक नौजवान यहां का DDC, एक नौजवान यहां का अनुमंडल पदाधिकारी, क्या विनोद सिंह बूढ़े लगते हैं क्या? मैं भी नौजवान हूं। सब लोग मिलकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण में और आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये बढ़ते बिहार के साथ साथ हम भोजपुर जिला का जबरदस्त विकास करना हम चाहते हैं, ये दृढ़ संकल्प आज स्थापना दिवस के अवसर पर हम लेना चाहते हैं। भाइयों बहनों, ये भोजपुर जिला का कितना विकास हुआ वो जीता जागता उदाहरण हमारी छात्र छात्रा भाई बहनों जो अपनी प्रतिभाशाली उनका चमकता हुआ चेहरा दिखाई देता है। 2005 के पहले इस बिहार के अंदर में भाइयों बहनों भवनहीन विद्यालय में हमारी छात्र छात्रा बहन बेटियां पढ़ा करती थी।